तो हम यहाँ पे अब अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं बेटा रेस्परेशन इन प्लांट्स तो रेस्परेशन के बारे में बात करते हैं तो इसके जस्ट पहले अभी देखिए हमने बात किया था गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट क्या प्रूव करता है इट प्रूव्स दैट द फ्लोएम इज द टिश्यू रेस्पॉन्सिबल फॉर फूड ट्रांसलोकेशन एंड दिस ट्रांसलोकेशन अकर्स इन यूनी डायरेक्शनली मैनर मतलब फ्रॉम सूट टू रूट इस डायग्राम में ना एक ही डायरेक्शन में हो रहा था अच्छा एक बात ये भी है कि मोनोकॉट्स में गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म नहीं कर सकते हैं अगर कोई मोनोकॉट का प्लांट है तो उसमें हम गर्डलिंग नहीं कर सकते हैं क्यों क्योंकि मोनोकॉट में बेटा आपने एनाटमी पढ़ा है मोनोकॉट में जो वेस्कुलर बंडल होता है याद है ना पूरे स्टेम में फैला रहता है स्कैटर्ड होता है तो हम मोनोकॉट में गर्डलिंग नहीं कर पाते हैं डाईकॉट में फैला थोड़ी ना होता है रिंग के फॉर्म में अरेंज होता है याद है आपको ना और जबकि मोनोकॉट में पूरे स्टेम में फैला रहता है स्कैटर्ड होता है रेस्परेशन रेस्परेशन क्या है रेस्परेशन इज द मल्टी स्टेप एंजाइम कंट्रोल्ड बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड टू रिलीज एनर्जी एंड ट्रैपिंग ऑफ मोस्ट ऑफ दिस एनर्जी टू सिंथेसाइज़ एटीपी. एटीपी क्या होता है एनर्जी करेंसी होता है एनर्जी रिलीज स्लोली इन स्टेप वाइज मैनर इन एंजाइमेटिक रिएक्शंस बाय ब्रेकिंग कार्बन कार्बन बॉन्ड्स ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स फूड मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं रेस्परेटरी सबस्ट्रेट तो रेस्परेशन में होता क्या है बेटा रेस्परेशन में जो फूड हम लोग लेते हैं कार्बोहाइड्रेट है फैट्स है प्रोटीन्स है ऑर्गेनिक एसिड्स है जो फूड हम खाते हैं तो फूड से हमको एनर्जी मिलता है कैसे जो फूड हम खाते हैं तो फूड का जो फूड का ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीडेशन होता है और जब फूड का ब्रेकडाउन होगा तो एनर्जी निकलता है फूड में जो कार्बन कार्बन बॉन्ड में एनर्जी रहा होगा वो एनर्जी निकलेगा और उसी एनर्जी को यूज करके ना जो सेल होता है ए बना लेता है ए एनर्जी करेंसी होता है यूनिवर्सली करेंसी होता है क्योंकि हर सेल के पास ए होता है तो ए वहीं पे सिंथेसिस होता है और वही ए होता है जो डेली एक्टिविटीज़ में यूज होता है हम आपको पढ़ा रहे हैं इसमें भी एनर्जी लग रहा है आप पढ़ रहे हो उसमें भी एनर्जी लग रहा है लिख रहे हो उसमें भी एनर्जी लग रहा है खा रहे हो डांस कर रहे हो नाच रहे हो रो रहे हो उसमें भी कहीं ना कहीं हर जगह आप देखोगे एनर्जी लग ही रहा है ना तो वही एटीपी रहेगा रेस्पिरेशन से जो बनता है वही बॉडी के जो एक्टिविटीज़ है उसको परफॉर्म करता है डेली एक्टिविटीज को तो वही हमने बोला है और एनर्जी कह, कहाँ से रिलीज होगा फूड को खाने से एनर्जी कैसे मिलता है एनर्जी रिलीज स्लोली एक ही स्टेप में सारे एनर्जी नहीं निकलता है आराम आराम से निकलता है इन स्टेप वाइज मैनर और हर एक स्टेप में एंजाइम इन्वॉल्व रहता है एंजाइमेटिक कंट्रोल्ड प्रोसेस है रेस्परेशन एंजाइम इन्वॉल्व होता है बाय ब्रेकिंग कार्बन कार्बन बॉन्ड्स फूड का जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है जब वो टूटता है तो एनर्जी निकलता है स्लोली मतलब पूरे स्टेप में एनर्जी एक ही स्टेप में नहीं निकलता है. जैसे देखो ग्लाइकोलिसिस पढ़े ग्लाइकोलिसिस में देखिए ग्लाइकोलिसिस में हर दस स्टेप है हर स्टेप पर एनर्जी थोड़ी ना निकलता है एक दो स्टेप में एनर्जी खर्च भी हुआ है और जाहिर सी बात है दो स्टेप में एनर्जी मिला भी है आपको ना तो एनर्जी हर एक स्टेप में रिलीज नहीं होता है तो स्टेप वाइज मैनर में निकलता है इन एंजाइमेटिक कंट्रोल रिएक्शन स्लोली ठीक है तो आप देखिए रेस्प्रेशन और कंब्यूशन दोनों में डिफरेंस हम बताए हैं रेस्प्रेशन मल्टी स्टेप प्रोसेस है कम्ब्यूसन मतलब बर्निंग करना ये सिंगल स्टेप प्रोसेस है रेस्प्रेशन में एंजाइमेटिक कंट्रोल्ड प्रोसेस होता है कंब्यूशन नॉन नॉन एंजाइमेटिक प्रोसेस है कम्ब्यूशन में कोई एंजाइम नहीं होता कम्ब्यूशन में टेम्परेचर इतना हाई होता है एंजाइम बढ़ जाएगा यार जल जाएगा एंजाइम बर्न कर जाएगा कहाँ एंजाइम प्रोटीन है डी हो जाएगा ना एनर्जी रिलीज इन इन द फॉर्म ऑफ ए टी पी प्लस हीट रेस्परेशन में एनर्जी ए टी पी और हीट के फॉर्म में निकलता है कम्ब्यूशन में ओनली हीट ए टी पी नहीं केवल हीट के फॉर्म में एनर्जी निकलता है कम्ब्यूशन में ओनली हीट अब हम यहाँ पे बात की है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के बारे में जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड का या जिस फूड मेटेरियल का रेस्परेशन में ब्रेकडाउन होता है उसको हम बोलते हैं रेस्परेटरी सब्सट्रेट द फूड मेटेल्स टू बी ऑक्सीडाइज या ब्रेक डाउन इन रेस्पेसन कॉल्ड रेस्परेटरी सब्सट्रेट सेल रेस्परेशन के लिए जिस फूड मटेरियल का यूज करता है उसी को हम बोलते हैं रेस्परेटरी सबस्ट्रेट्स तो सब्सट्रेट प्रेफरेंस सीक्वेंस, रेस्परेटरी सबस्ट्रेट प्रेफरेंस सीक्वेंस, मतलब सेल का प्रेफरेंस क्या है जैसे मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट्स है फैट्स है प्रोटीन्स है ऑर्गेनिक एसिड्स है यह सब रेस्परेटरी सबस्ट्रेट है तो सेल तो किसी को भी यूज कर सकता है चारों में लेकिन बताना सर सबसे पहले किसको यूज करना चाहेगा उसका प्रेफरेंस क्या होगा जैसे मान लीजिए आपके सामने ठंडी का मौसम रहे एकदम कड़क ठंडी पड़ता रहे और आपके सामने गर्मा गर्म कॉफ़ी रख दिया जाए और एकदम ठंडा चिल्ड कोल्ड ड्रिंक रख दिया जाए तो आपका पहला क्या आपका क्या प्रेफरेंस क्या होगा आपका चॉइस क्या होगा प्रेफरेंस क्या होगा जाहिर सी बात है गर्म कॉफ़ी जो कॉफ़ी होगा हॉट हो कॉफ़ी होगा वो आपका पहला प्रेफरेंस होगा चॉइस होगा वही चीज़ है कि चार चीज़ें हैं सबस्ट्रेट है सेल सबसे पहले किसको यूज करना चाहेगा रेस्पिरेशन में किसको ब्रेकडाउन करना चाहेगा सबसे पहला चॉइस है कार्बोहाइड्रेट फिर इसके बाद फैट्स फिर प्रोटीन्स फिर ऑर्गेनिक एसिड्स फैट्स आर नॉट द फर्स्ट चॉइस फर्स्ट चॉइस क्या है कार्बोहाइड्रेट यह पहला चॉइस है फैट उसके बाद का चॉइस है सेकेंड चॉइस है एक बात बताएं आपको ध्यान से सुनना ये बात एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट है एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट को अगर सेल तोड़े रेस्पिरेशन में यूज करे एज ए सबस्ट्रेट एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट से लगभग ऑलमोस्ट 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी मिलता है 4.2 किलो कैलोरी ऑलमोस्ट है थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो सकता है एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन से 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस होता है एक ग्राम फैट के ब्रेकडाउन से मोर देन नाइन ध्यान देना मोर देन नाइन किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होता है एक ग्राम प्रोटीन से फैट से थोड़ा सा ज़्यादा फोर पॉइंट फाइव के आसपास मान लो आप ठीक है तो सबसे कम एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से मिलता है और कार्बोहाइड्रेट से भी डबल एनर्जी मिलता है फैट फैट से तो एक बार बताइए फैट आर एनर्जी रिच फैट से सबसे ज्यादा एनर्जी मिल रहा है एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट से फोर पॉइंट टू एक ग्राम फैट से मोर देन नाइन किलो कैलोरी एनर्जी तो एक बार बताइए फिर भी सर सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को क्यों प्रीफर कर रहा है वाई नॉट द फैट्स वाई द फायर नॉट फर्स्ट चॉइस फायरस आर नॉट फर्स्ट च्वाइस क्यों जबकि एनर्जी तो उससे सबसे मिल रहा है सिल्को इसका एक इसका एक एक्सप्लानसन है रीजन है रीजन ये है बेटा एक बेसिक चीज है पहले सुन लो उसके बाद आप ये लिखना अगर कोई भी सबस्टेट है कोई भी सब्सटेंस है जिसमें जितना ज्यादा हाइड्रोजन होगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन सन का पार्ट है एनर्जी मिलता है किसी भी सब्सटेट में जिसमें जितना ज्यादा हाइड्रोजन होगा प्रोटॉन होगा हाइड्रोजन होगा वो उतना ही ज्यादा एनर्जी देगा अपॉन इट्स ब्रेकडाउन लेकिन उसमें हाइड्रोजन उसमें ऑक्सीजन उतना ही कम होगा ध्यान देना हाइड्रोजन रिच है तो ऑक्सीजन डेफिशियट होगा और ऑक्सीजन डेफिशियंट होने की वजह से वो आसानी से उसका ब्रेकडाउन नहीं होगा उसका ऑक्सीडेशन आसानी से होगा ही नहीं क्योंकि उसमें ऑक्सीजन कम है तो उसको तोड़ने के लिए बाहर से एक्सटर्नल ऑक्सीजन उसमें ज़्यादा लगाना पड़ेगा और इतना ऑक्सीजन होना भी चाहिए सेल के पास ना यही केस फैट के साथ में है फैट जो होता है ना देखिए फैट हाइड्रोजन रिच है तो एनर्जी बहुत ज्यादा देगा लेकिन ऑक्सीजन डेफिशियंट है ऑक्सीजन कम है इसमें तो आसानी से टूटेगा नहीं और इसको तोड़ने में बाहर से बहुत ज्यादा ऑक्सीजन लगाना पड़ेगा सो नॉट सो सो नॉट यहां पे हमने लिखा है सो नॉट ऑक्सीडाइज इजिली सो नॉट द फर्स्ट च्वाइस एज अ रेस्परेटिट्रेट ऑल दो एनर्जी रिच है बट ऑक्सीजन डेफिशियंट होने की वजह से एनर्जी रिच है बिकॉज हाइड्रोजन रिच है ऑक्सीजन डेफिशियंट होने की वजह से इट इट इज नॉट ऑक्सीडाइज इजिली इट कंज्यूस मोर ऑक्सीजन एक्सटर्नली अपॉन इन इट्स ऑक्सीडेशन दैट्स वाई फैट्स आर नॉट फर्स्ट च्वाइस जो कार्बोहाइड्रेट होता है फर्स्ट च्वाइस है इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है क्योंकि बड़े आसानी से टूट जाता है यार हाइड्रोजन डेफिशियंट है बट ऑक्सीजन रिच है एज कंपेयर टू द फैट्स दस इजिली ऑक्सीडाइज्ड ये इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी लगातार ये बहुत जल्दी से एनर्जी तोड़ के टूटने पे दे, दे देता है ना आप कार्बोहाइड्रेट खाइए तुरंत एनर्जी मिलने लगता है क्यों कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन रिच होता है आसानी से टूट जाता है इजिली टूट जाता है इज्ली इसलिए दैट्स वाइज सेल सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को यूज करना चाहता है उसके बाद फैट को यूज करना चाहता है ना आप ये नोट कर लीजिए फिर आगे हम और भी बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए रेस्परेशन दो टाइप का है बेसिस है ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी ऑक्सीजन अवेलेबल है कि नहीं है इसके बेसिस पर रेस्परेशन बेटा आप देखिए दो टाइप का है एरोबिक एरोपरेशन और एनारोबिक रेस्परेशन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है एनारोबिक में ऑक्सीजन नॉट यूटिलाइज एरो क्योंकि ऑक्सीजन है तो फूड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है और यहाँ पे इनकम्प्लीट या पार्सियल ऑक्सीडेशन होता है एनारोबिक में फूड का और जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो एनर्जी ज्यादा निकलेगा पार्सिल ऑक्सीडेशन होगा तो जाहिर सी बात है एनर्जी कम निकलेगा तो कॉमन इन हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स एरोबिक रेस्परेशन हाइयर प्लांट और एनिमल में कॉमन है हालांकि होने का तो अदर में भी होता लेकिन इनमें बहुत कॉमन है और एनारोबिक रेस्परेशन कॉमन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूनिसर यूकैरियोट्स जैसे बैक्टीरिया हो गया ईस्ट हो तो गया इन सब में एनारोबिक रेस्प्रेशन बहुत ही कॉमन है तो एरोबिक रेस्परेशन में देखिए ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ सी सिक्स एस ट्वेल्व ओ सिक्स प्लस सिक्स ओ टू सिक्स ओ टू कंज्यूम हुआ एक ग्लूकोज के लिए सिक्स सी ओ टू प्लस सिक्स एस टू वो सी ओ टू भी निकला एस टू वो भी निकला बराबर बराबर वन एस टू वन के रेशियो में दोनों निकला प्लस सिक्स सिक्स किलो कैलोरी एनर्जी निकलता है छः सौ छियासी किलो कैलोरी एनर्जी मिलता है एक ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से इतना निकला ठीक है और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कॉमन है प्रोकैरियोट्स और यूनिसोलर यूकैरियोट्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन का एग्जाम्पल हो गया फर्मेंटेशन फर्मेंटेशन एक टाइप का एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है दो टाइप का पढ़ोगे एल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन फर्मेंटेशन दो टाइप का एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में ये सी टू एच फाइव ओ एच मतलब इथेनॉल बनेगा दो मॉलिक्यूल प्लस दो सी ओ टू निकलेगा प्लस दो ए टी पी बनेगा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में दो मॉलिक्यूल बनेंगे लैक्टिक एसिड के टू सी थ्री एस सिक्स ओ थ्री प्लस दो ए टी पी मिलेगा तो यहाँ सिर्फ दो दो ए ही मिलता है बस क्योंकि फूड का इनकम्प्लीट या पार्सल ब्रेकडाउन होता है सारे बॉन्ड टूटेगे नहीं एनर्जी निकलेगा नहीं पूरा तो एनर्जी तो कम ही बनेगा ना और यहाँ यहाँ पे आप देखेंगे ना सिक्स किलो कैलोरी एनर्जी मिलता है आपको 36 से 38 एटीपी मतलब इसमें आप देखेंगे ना 36 से 38 38 इतना एटीपी मिलेगा 36 सिक्स टू थर्टी एट थर्टी सिक्स टू थर्टी एट ए टी पी मिलेगा छत्तीस से अड़तीस और यहाँ पे सिर्फ दो ए टी पी मिलता है बस जो एनारोबिक वाला होता है ना यहाँ पे ओनली टू ए टी पी मिलता है तो ये एरोबिक और एनारोबिक बता दिए हम अब यहाँ पे रेस्परेशन देखिए दो टाइप का है बेसिस है सबस्ट्रेट्स सबस्ट्रेट के बेसिस पर रेस्परेशन दो टाइप का है क्या क्या फ्लोटिंग टाइप और प्रोटोप्लाज्मिक टाइप फ्लोटिंग टाइप में फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स यूज है सबस्ट्रेट जब फैट और कार्बोहाइड्रेट यूज हुआ रहा होगा रेस्परेशन में एज अ सबस्ट्रेट सेल यूज किया होगा उसको बोलेंगे फ्लोटिंग टाइप और प्रोटोप्लाज्मिक टाइप तब बोलेंगे जब प्रोटीन्स यूज एज सब्सट्रेट जब सेल एज अ प्रोटीन यूज किया होगा सब्सट्रेट को तो उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक टाइप ऑफ रेस्परेशन तो रेस्परेशन में ये हो गया अब हम पहुंचते हैं ग्लाइकोलिसिस पे ग्लाइकोलिसिस आपने पढ़ा होगा आप इसको पहले नोट कर लीजिए लिख लीजिए तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बेटा ग्लाइकोलिसिस के बारे में ग्लाइकोलिसिस ग्लाइको मतलब होता है ग्लूकोज और लाइसिस मतलब होता है ब्रेकडाउन होना स्प्लिटिंग होना ग्लाइकोलिसिस को हम ई एम पी पाथवे भी बोलते हैं ई एम पी का मतलब होता है एम्बडन मेयर हाफ परनस पाथवे एम्बडन मेयर हॉफ पर्नस पाथवे जो इसके डिस्कवरर थे जिन्होंने ये पाथवे दिया था उनके नाम पे यह पड़ा है एम पी पाथुवे तो एम पी पाथुवे ग्लाइकोलिस का साइट क्या है साइटोप्लाज्म होता है हर एक और गंजे में ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होता है साइटोसोल में होता है पार्सियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन अकर्स ध्यान देना ग्लाइकोलिस में जो ग्लूकोज होता है ग्लाइकोलिस का कहानी ग्लूकोज से स्टार्ट होता है तो यहाँ पे ग्लूकोज का क्या होगा ब्रेकडाउन होगा जिससे दो मॉलिक्यूल बनेंगे पारोबिक एसिड के ग्लूकोज मतलब छः कार्बन छः कार्बन से तीन कार्बन के दो दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे मतलब तीन तीन छः कार्बन आपको मिल जाएगा छः कार्बन लेके चलेंगे लास्ट में तीन 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 कार्बन के दो मॉलिक्यूल मतलब छः कार्बन आपको लास्ट में मिल भी जाएगा तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है मतलब ये पूरी तरीके से एनारोबिक प्रोसेस होता है तो एनारोबिक प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस जो होता है ये एनारोबिक प्रोसेस है क्योंकि यहाँ पे कहीं भी ऑक्सीजन का यूज नहीं होता है लेकिन ध्यान देना ये प्रोसेस तो एनारोबिक है लेकिन होता ये सब में है चाहे एरोबिक ऑर्गेंजियम हो या एनारोबिक ऑर्गेंजियम हो ग्लाइकोलिसिस सब में होता है ध्यान देना ग्लाइकोलिसिस सब में होता है तो हमने क्या लिखा है एनारोबिक प्रोसेस अकरे अकर्स इन बोथ एरोब्स एंड एनारोब्स होता यह सब में है चाहे एरोब हो या एनारोब हो प्रोकैरियोट हो यूकैरियोट हो सब में ग्लाइकोलिसिस होता है दुनिया के हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में ध्यान देना फीचर ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स दुनिया के हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्लाइकोलिसिस होता है चाहे वो एरोबिक हो या एनारोबिक हो लेकिन ये खुद ग्लाइकोलिसिस किस टाइप का प्रोसेस है खुद ये एनारोबिक प्रोसेस है मतलब इस पूरे प्रोसेस में कहीं भी ऑक्सीजन यूज नहीं होगा सीओटो रिलीज नहीं होगा कहीं भी नहीं ऐसा होगा तो एनारोबिक प्रोसेस अकर्स इन बोथ एंड एनारोब्स ऑल लिविंग ऑर्गेन्जम्स कंटेन एंजाटिक मशीनरी टू पार्सली ऑक्सीडाइज ग्लूकोज इन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पारोबिक एसिड तीन कार्बन के दो मॉलिक्यूल फिथराफॉल लाइफ होम इसका मतलब ये है दुनिया के हर एक लिविंग ऑर्गेन्जम में दुनिया के हर एक लिविंग ऑर्गेनजियम में ऐसे एंजायम्स होते हैं जो ग्लूकोज का पार्सियल ऑक्सीडेशन करा सके पारोबिक एसिड के दो मॉलिक्यूल में मतलब ग्लाइकोलिसिस कराने वाले और एंजाइम्स दुनिया के हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं मतलब सम में सम में ग्लाइकोलिसिस होना है फीचर ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स मतलब ध्यान देना एक हिंदी में स्टेटमेंट बोल रहे हैं ध्यान से सुनना एरोबिक हो या एनारोबिक एरोबिक हो या एनारोबिक जिसमें भी जिंदगानी है जिंदगानी मतलब लाइफ एरोबिक हो या एनारोबिक जिसमें भी जिंदगानी है ग्लाइकोलिसिस सबकी कहानी है सब में ग्लाइकोलिसिस होना है तो ये बताना कहानी ग्लूकोज से स्टार्ट होगा ग्लूकोज कहाँ से आ गया भाई सेल के अंदर ग्लूकोज इज डेराइव फ्रॉम सुक्रोज ये सुक्रोज से डेराइव होता है और एनी अदर स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट जैसे स्टार्च है या अदर कार्बोहाइड्रेट है स्टोर्ड है जो सेल के अंदर उससे डेराइव होता है और सुक्रोज कहाँ से आया एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा तब सुक्रोज मिल जाएगा उसको ग्लूकोज मिल जाएगा और हम लोगों में एनिमल सेल में कैसे आएगा जाए, ग्लूकोज खाना खाओगे फूड खाओगे उससे सेल को ग्लूकोज मिल जाएगा कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा ऑल कार्बोहाइड्रेट्स ऑल द कार्बोहाइड्रेट्स आर फर्स्टली कन्वर्टेड इन ग्लूकोज एंड देन एंटर इन रेस्परेशन मतलब जैसे सुक्रोज है तो सुक्रोज डायरेक्टली ग्लाइकोलिसिस में यूज नहीं हो जाएगा उसका कन्वर्जन पहले ग्लूकोज में होगा तब वो ग्लाइकोलिसिस में एंट्री मारेगा जैसे आप देखिए आप देखिए मान लीजिए जैसे आप देखें मान लीजिए ये सुक्रोज है सुक्रोज है तो एक एंजाइम इसके ऊपर काम करेगा जिसका नाम है इन्वर्टेज इन्वर्टेज एंजाइम इसका ब्रेकडाउन कराएगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में अब ये जो ग्लूकोज है ये एंट्री कर जाएगा एंटर इन रेस्परेशन या ग्लाइकोलिसिस अब एक लाइकोलिसिस में एंट्री कर जाएगा रेस्प्रेशन में यूज होगा तो कोई भी कार्बोहाइड्रेट है रेस्प्रेशन में यूज होना है ना तो सबसे पहले उसको कन्वर्ट होना पड़ेगा ग्लूकोज में आप नोट कर लीजिए इसको लिख लीजिए लिख लीजिए तो उसको ना पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट होना ज़रूरी है तो एक जगह हमने लिखा हुआ है एक जगह हमने लिखा है कि जो ग्लूकोज है ग्लूकोज से छः कार्बन है हेक्सो शुगर है इससे पायरुक एसिड के ना पायरुक एसिड ट्रायोज है ये ना ये तीन कार्बन है ट्रायोज है ये ये हेक्सोस सुगर है ये तीन कार्बन का कंपाउंड है ये कोई सुगर नहीं है ये तीन कार्बन का कंपाउंड है लेकिन इसके दो मॉलिक्यूल बनते हैं दो मॉलिक्यूल तो छः कार्बन लेके चले थे छः कार्बन आपको मिल जाएगा और इसका इन द प्रजेंस ऑफ एंजाइम्स एंजाइम्स के प्रजेंस में होगा और ऑक्सीजन अपसेंट होगा तो एनारोबिक प्रोसेस है तो एनारोबिक होता है तो जाहिर सी बात है ग्लूकोज का क्या होगा यहाँ पे पार्सियल ऑक्सीडेशन होगा साइट पता है आपको साइटो में होता है ना तो दो मोलिकुल पार्विक एसिड के बन जाएंगे ये ग्लूकोज आप लेके चले थे तो आप इसको नोट कर लीजिए बेटा लिख लीजिए फिर आगे हम बात करते हैं टोटल दस रिएक्शन है तो यहाँ पे फिर हम बेटा ग्लाइकोलिसिस के बारे में बात कर रहे हैं टोटल आप देखिए टोटल टेन रिएक्शंस आपके सामने है ग्लाइकोलिसिस में टोटल दस रिएक्शन होता है पहले स्टेप वाइज में आप ध्यान से सुन लीजिए उसके बाद फिर आप लिखिएगा ठीक है नहीं आप समझ नहीं पाओगे टोटल हमने लिखा है यहाँ पे टेन रिएक्शंस ठीक है टोटल दस रिएक्शन होता है ग्लाइकोलिसिस में तो आप देखिए स्टार्ट होता है कहानी ग्लूकोज से छः कार्बन ले हम चले हैं ग्लूकोज कहाँ से आया ग्लूकोज स्टोर्ड फूड होता मतलब जो स्टोर्ड फूड है उसके ब्रेकडाउन से ग्लूकोज मिला प्लांट को और या फिर सुक्रोज से मिला सुक्रोज क्या होता है एंड प्रोडक्ट ऑफ है उसके ब्रेकडाउन से आया एनिमल सेल में फूड के कंजम्पन से आता है तो देखिए ग्लूकोज है छः कार्बन एक एंजाइम काम करेगा हेक्सो काइनेज एक चीज़ आपको बता दें जो काइनेज एंजाइम होता है ना काइनेज काइनेज एंजाइम का काम होता है फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर करना इधर उधर और ये आप देखेंगे कि मैग्नीशियम के ऊपर डिपेंडेंट होता है काइनेज जहां भी होता है वहां पे एटीपी आप समझ लेने या तो बनने वाला है या फिर एटीपी टूट के टूटने वाला है खर्च होने वाला है तो आप देखिए यहां से लेकर यहां से लेकर यहां तक ये प्रिपरेटरी फेज है प्रिपरेटरी फेज या एनर्जी करेंसी कंजम्पन पे फेज या एक्टिवेशन फेज बोलते हैं इसको ये तैयारी वाला फेज है और यहाँ एनर्जी करेंसी मतलब ए टी पी यहाँ खर्च होने वाला है यहाँ से यहाँ तक ए टी पी खर्च होगा तो आप देखिए ग्लूकोज है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ग्लूकोज का ग्लूकोज से बनेगा ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट एंजाइम है हेक्सोकाइनेज हेक्सोकाइनेज एंजाइम क्या करेगा ये मैग्नीशियम अनडिपेंडेंट होता है ए टी पी है ए टी पी मतलब एडनीोसिन ट्राई फॉस्फेट इसका जो थर्ड फॉस्फेट ग्रुप होगा तीन फॉस्फेट है ट्राई फॉस्फेट जो थर्ड फॉस्फेट होगा उससे थर्ड फॉस्फेट को निकाल देगा हटा देगा तो ट्राई फॉस्फेट क्या रह जाएगा एडिनोसिन डाई फॉस्फेट रह जाएगा और जो तीसरा फॉस्फेट है उसको ले जाके ग्लूकोज के कार्बन नंबर छ पे ऐड कर देगा एक मतलब छः ग्लूकोज के कार्बन नंबर छः पे ये फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देगा और फॉस्फेट ग्रुप कहाँ से लेगा ए से जो तीसरा फॉस्फेट है वो लेगा तो क्या बन जाएगा ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट बन जाएगा ग्लूकोज सिक्स फास्फेट में भी छः कार्बन है और इसके कार्बन नंबर सिक्स पे देखो ग्लूकोज सिक्स सिक्स मतलब कार्बन का पोजीशन दिखा रहा है कार्बन नंबर छः पे फास्फेट ग्रुप लगा है अब एक एंजाइम काम करेगा जिसका नाम है हेक्सो आइसोमरेज ये ग्लूकोज सिक्स फास्फेट का आइसोमराइजेशन करा देगा जिससे बन जाएगा फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट इसी का आइसोमर बन गया इसमें भी छः कार्बन है अब एक एंजाइम काम करेगा जिसका नाम है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज ध्यान देना फॉस्फो फ्रक्टोकाइनेज पी एफ के फॉस्फो फ्रक्टोकाइनेज को बोलते हैं ये मैग्नीशियम इंडिपेंडेंट है ये भी काइनेज जहाँ जहाँ भी होगा वहाँ फॉस्फोराइलिसन होता है तो देखिए ये भी क्या करेगा ए टी पी तोड़ेगा ए टी पी का एक फॉस्फेट ले लेगा तीसरा वाला ए डी पी रह गया तीसरा वाला मतलब गामा फॉस्फेट जो होता है तीसरा अल्फा, बीटा गामा तीन होता है जो थर्ड पोजिशन पर फॉस्फेट है वो एटीपी का ब्रेकडाउन करा देगा ए में तीसरा फॉस्फेट जो मिला उसको जो कार्बन का फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट है इसके कार्बन नंबर वन पे इसके कार्बन नंबर वन पे फॉस्फेट ग्रुप लगा देगा तो देखिए छह कार्बन सिक्स कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप था ही अब कार्बन नंबर वन पे भी लग जाएगा तो क्या बन जाएगा फ्रक्टोज वन का दो फॉस्फेट ग्रुप आ गए इसमें ना तो दो एटीपी टूटा है दो फॉस्फेट आ गया ये जो पी एफ के एंजाइम होता है फौस, एंजाइम आप नोट्स में कहीं लिख लो इंपॉर्टेंट है इसको बोलते हैं पेस मेकर एंजाइम ध्यान देना पेस मेकर एंजाइम या रेट लिमिटिंग एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलिसिस ध्यान देना पेस मेकर एंजाइम या रेट लिमिटिंग एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलिसिस बोला जाता है इसको ये एलोस्टेरिक एंजाइम होता है तो आप देखिए ये बन गया फक्टोजो फौ, एनकम सिक्स फॉस्फेट बन गया अब इसके ऊपर एक एंजाइम काम करता है एल्डोलेज ये रिवर्सिबल रिएक्शन कैटलाइज कराता है तो इसमें भी कार्बन है तो एल्डोलेज क्या करेगा फ्रक्टोज वन कमा सिक्स बिस्फॉस्फेट को ब्रेकडाउन करेगा और तीन तीन कार्बन के दो मॉलिक्यूल बना देंगे ये छः कार्बन का सुगर था हेक्सोज शुगर था हेक्सोज को दो मॉलिक्यूल ऑफ ट्रायोज शुगर में कन्वर्ट करा देगा तो देखिए इसका ब्रेकडाउन हुआ और तीन कार्बन का एक शुगर बन गया और यहाँ भी तीन कार्बन का एक शुगर बन गया और क्योंकि इसमें फॉस्फेट भी है तीन कार्बन शुगर को बोलते हैं ट्रायोज और फॉस्फेट है इसलिए बोल दिया इसको ट्रायोज फॉस्फेट तो फ्रक्टोज वन कमर सिक्स बिस् फॉस्फेट के ब्रेकडाउन से आपको मिला ग्लिसरल डिहाइड थ्री फॉस्फेट का एक मॉलिक्यूल प्लस डाईहाइड्रॉक्सी स्टोन फॉस्फेट का एक मॉलिक्यूल तीन तीन कार्बन के आपको एक एक मॉलिक्यूल मिल गया छः कार्बन आपको मिल गया अभी तक तो DHAP पी भी लिखा जाता है अब बेटा होता क्या है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है इसको कैटलाइज करता है ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज मतलब आप देखेंगे डी एच ए पी थ्री फॉस्फेट में कन्वर्ट हो सकता है और ग्लिसलड थ्री फॉस्फेट डी एच ए पी में भी कन्वर्ट हो सकता है इनका आपस में इंटर कन्वर्जन होता है लेकिन जो डी एच ए पी है डी एच ए पी ज़्यादा कन्वर्ट हो जाता है ग्लेशल डार थ्री फॉस्फेट में और ग्लिसेट कम कन्वर्ट होता है डीएचए में यही वजह है कि आगे का जितना भी प्रोसेस है इसके नीचे से लिखा जाता है ग्लिसलड थ्री फॉस्फेट के नीचे से लिखा जाता है यहाँ से नहीं लिखा जाता और यहाँ से देखिए दो दो मॉलिक्यूल लेना स्टार्ट कर दिए हैं यहाँ से आप देखेंगे बेटा दो दो मॉलिक्यूल लेना हम शुरू कर देते हैं ये देखिए दो दो मॉलिक्यूल क्यों क्योंकि तीन कार्बन का एक डीएचए भी तो इसमें कन्वर्ट हो रहा है ना नाइन 97 परसेंट इसमें कन्वर्ट हो जाता है लेकिन ग्लिसलडेह थ्री फॉस्फेट सिर्फ तीन परसेंट इसमें कन्वर्ट होता है यही इसीलिए यहां से ना दो दो मॉलिक्यूल लेना शुरू कर देते हैं अब देखिए ग्लिसल ड्री फॉस्फेट है तीन कार्बन का ट्रायोज फॉस्फेट है अब एक अच्छा यहां से ना पे ऑफ फेज स्टार्ट हो जाता पे ऑफ फेज मतलब यहां से ए टी पी मिलना शुरू हो जाएगा अभी तक तो देखो खर्च हो रहा था कंजम्पशन फेज था यहाँ से ना पे ऑफ फेज मतलब आपने खर्च किया है तो वह आपको मिलेगा भी यहाँ से मिलने वाला फेज स्टार्ट हो जाता है तो ग्लिशिहाइड थ्री फॉस्फेट के ऊपर एक एंजाइम काम करता है डिहाइड्रोजिनेज इसका पूरा नाम क्या है आप नोट कर लो यहाँ जगह नहीं था इसलिए पूरा नाम हमने ये लिखा है इस एंजाइम का पूरा नाम है ग्लिशिहाइड थ्री फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम ये एंजाइम इसके ऊपर काम करेगा और डिहाइड्रोजिनेशन कराता है ये एक्चुअल में एन ए डी प्लस है ये तो आप देखेंगे इसमें बेटा ये टू एन ए डी प्लस है एन ए डी क्या होता है निकोटीनामाइड एडेनिन डाई निक्लोटाइड ये इलेक्ट्रॉन प्रोटोन एक्सेप्टर है निकोटीनामाइड एडेनिन डाई निक्लोटाइड तो इसका यहाँ पे देखेंगे डिहाइड्रोजिनेशन होगा तो एन ए डी प्लस से एन ए डी टू बन जाएगा टू एन ए डी से टू एन ए डी टू बन जाएगा और टू एन ए डी एच प्लस टू एच प्लस लिखा है शॉर्ट में हम लिखते हैं टू एन ए डी एच टू ये बन जाएगा और एंजाइम है ग्लिसर डहाड थ्री फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज और यहाँ पे टू एस थ्री पी ओ फोर भी ऐड हो रहा है यही हाइड्रोजन दे रहा है डोनेट कर रहा है और क्या बना है यहाँ पर प्रोडक्ट दो मॉलिक्यूल बना है वन कामा थ्री बिस फॉस्फो गिक एसिड बिस फॉस्फो गिक एसिड है ये फॉस्फेट ग्रुप भी दे रहा है ये जो आप यहाँ पर देखिए ना ग्लिस थ्री फॉस्फेट था यहाँ पे सिर्फ एक ही फॉस्फेट था थर्ड कार्बन पे लेकिन एस थ्री पी ओ फोर ये फॉस्फेट ग्रुप डोनेट भी करेगा तो दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे वन कमर थ्री बीस फॉस्फो एसिड के मतलब थर्ड कार्बन पे पहले ही फॉस्फेट था अब कार्बन नंबर वन पे भी आ जाएगा तो दो मॉलिक्यूल बन गए वन कमर थ्री बीस फॉस्फो एसिड के अब यहाँ का स्टेप हमने यहाँ पर दिखा रखा है कि एंजाइम काम करेगा फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज मैग्नीशियम इंडिपेंडेंट एंजाइम है तो ये क्या बना देगा दो मॉलिक्यूल बना देगा थ्री फॉस्टफो एसिड के थ्री फॉस्फो एसिड के और यहाँ पे बेटा ध्यान देना यहाँ पे क्या होगा कि दो ए से दो ए से दो ए टी पी यहाँ पर बनेगा दो ए और यहाँ पे ना इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड हो रहा है जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है दो फॉस्फेट यहाँ पे ऐड होगा तो ये बताओ फॉस्फेट आएगा कहाँ से फॉस्फेट यहीं से आएगा यह है नहीं वन का मी बिस्फॉस्फोग्रिक एसिड तो दो फॉस्फेट ग्रुप है इसके पास ना तो इसी के फॉस्फेट को सबस्ट्रेट के फॉस्फेट को एंजाइम निकाल लेगा और उसको एडीपी को दे देगा ये फॉस्फेट इसी का है तो ये जो एंजाइम है काइनेज एंजाइम इसके फॉस्फेट ग्रुप को निकाल के एडीपी को ट्रांसफर कर देगा ए टीपी बन जाएगा और जो बिस्फॉस्फोग्रिक एसिड था वो क्या रहेगा थ्री फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो कार्बन नंबर वन था उसका फॉस्फेट तो एडीपी को एंजाइम ने ट्रांसफर कर दिया अब बन गया दो मॉलिक्यूल बन गया थ्री फॉस्फोगलिसरिक एसिड के ये भी ट्रायोज फॉस्फेट है तीन कार्बन का शुगर है और इसमें फॉस्फेट लगा है अब एक एंजाइम काम करेगा फॉस्फोगलिसरो म्यूटेज म्यूटा रोटेशन होता है केमिस्ट्री में पढ़ा होगा इससे बन जाएगा दो मॉलिक्यूल फॉसफो फॉस्फोगट के टू मॉलिक्यूल फॉस्फोगट के दो मॉलिक्यूल फॉस्फोगलिसरिक एसिड के बन जाएंगे तीन कार्बन का ये भी अब एक एंजाइम काम करेगा इनोलेज एंजाइम मैग्नीशियम इंडिपेंडेंट है इससे वाटर निकाल देगा <kocracy> और जब वाटर निकाल देगा तो बन गया फॉस्फो इनॉल पायरुवेट पी बन गया तीन कार्बन का है दो मॉलिक्यूल बना है अब इस पर एक एंजाइम काम करेगा अंतिम स्टेप पे पायरुवेट काइनेज पायरुवेट काइनेज एंजाइम काम करेगा ये भी मैग्नीशियम इंडिपेंडेंट एंजाइम होता है मैग्नीशियम पोटेशियम दोनों डिपेंडेंट होता है और बेटा यहाँ भी आप देखेंगे काइनेज है दो एडीपी से दो ए डी पी से दो मॉलिक्यूल ए टी पी का बन जाएगा यहाँ भी ए टी पी बना यहाँ भी ए टी पी बना था इधर जगह नहीं है नहीं तो हम इधर ही लिख देते तो फाइनली दो मॉलिक्यूल पायरुक एसिड के बन जाते हैं फॉस्फोनल पायरुएट से ये की या मेन प्रोडक्ट है ग्लाइकोलिसिस का की या मेन प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस तो आप देखिए आपको एक ए टी पी यहाँ खर्च हुआ है यहाँ पे ए टी पी से टूट के ए डी पी बन रहा था यहाँ पे ए से ए टी बन रहा था ध्यान देना यहाँ प्रोडक्शन हो रहा था ए का और यहाँ ए का कंजम्पन हो रहा था खर्च हो रहा था तो टोटल दस रिएक्शन है एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस जहाँ जहाँ पे एंजाइम है वो एक एक रिएक्शन है आप ये देखिए आप इसको नोट कर लीजिए लिख लीजिए फिर इसको हम हटा देंगे अभी तो आप बताइए ओवरऑल एक ए खर्च हुआ दो ए खर्च हुआ ओवरऑल दो ए खर्च हुआ है आपको मिला कितना है दो एटीपी और दो ए मतलब चार ए मिला है दो ए खर्च हुआ है मतलब नेट डायरेक्टली ए एट आपको कितना मिला है दो ए का गेन हुआ है ना और साथ में आपको दो एनएडीएस ध्यान देना दो एनएडीएस टू भी मिला है आपको आप इसको लिख लीजिए फिर हम हटा देंगे ना नोट कर लीजिए <coughs> तो आप यहाँ पे देखिए बेटा दो मॉलिक्यूल पार्विक एसिड का प्रोड्यूस हुआ है लास्ट में चार ए प्रोड्यूस हुआ है दो ए खर्च हुआ है चार रुपए आपको मिले दो रुपए खर्च हो गए तो डायरेक्टली कितना आपको नेट कितना मिला दो ए का नेट डायरेक्ट गेन है डायरेक्ट गेन की वो बोला अभी हम बताएंगे आपको ठीक है दो ए आपको नेट मिला डायरेक्टली प्लस साथ में एक बार बताओ दो एन भी तो मिला था जहाँ पे डिहाइड्रोजिन जनजाइम था तो एन एडीएसटू से ई में तीन ए बनता है तो दो एन है तो कितना ए बनेगा दो एनएडीएस है तो छीपी आपको मिल जाएगा ई में मतलब छ एटीपी ये प्लस दो ए टी पी ए आठ ए टीपी आपको मिल जाएगा ओवरऑल मतलब तो ओवरऑल दो ए टीपी का डायरेक्ट गेन है छीपी का इनडायरेक्ट गेन है इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्टली तो आपको एनएडीएस टू मिल रहा है ना एनएडीएस टू से बाद में वहां जाके ए टीपी बनेगा इसलिए इसको हमने इनडायरेक्ट लिखा है तो ओवरऑल छः दो आठ ए आपको ग्लाइकोलिसिस से मिल गया ठीक है तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एटीपी का क्या मतलब है? यहां पे हम बता रखें देखना एटीपी कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय दो मेथड्स टू मेथड्स देर आर टू मैथड्स बाई विच इसल कैन सिंथसाइज ए टी के सिंथेसिस को बोलते हैं फॉस्फोर ध्यान देना फॉस्फोर का मतलब ए जो बन रहा है उसको बोलते हैं फॉस्फोर फॉस्फोराइलेशन दो तरीके से होता है दो तरीके से सेल एटीपी बना सकता है एक तो है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन एस के थ्रू दूसरा है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन मतलब ई के थ्रू तो आप देखिए अगर एस होता है तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट ए सिंथेसिस मतलब उसी रिएक्शन में ही आपको ए मिल रहा है एस क्या है फॉस्फेट ग्रुप ऑफ सबस्ट्रेट सबस्ट्रेट इज ट्रांसफर्ड टू ए डी पी और जी टू प्रोड्यूस ए या जी टीपी. तो बेटा एस अभी हम दिखाए तो थे देखिए ना पे ऑफ फेज में अभी ग्लाइकोलिसिस में पे ऑफ फेज में जहाँ पे दो जगह देखिए काइनेज एंजाइम काम कर रहा था ग्लिसरेट काइनेज और फॉस्फिन पारोवेट काइनेज जहाँ पे ए से ए बन रहा था तो आप बताइए जो सबस्ट्रेट नहीं था जैसे वन कामर थ्री बिस् फॉस्फ्रो एसिड वो था तो ग्लिसरेट काइनेज ने उसका एक फॉस्फेट निकाल लिया

जैसे हम दिखाए नहीं कि दो एन बना है अब इसको यहाँ से ई में भेजा जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन होगा हाइड्रोजन निकलेगा केमी ऑस्मोटिक हाइपोथिस पढ़ोगे जिससे जाके ए बनेगा तो ये इनडायरेक्ट ए है डायरेक्टली तो आपको ग्लाइकुलिस में NADH2 टू मिला है ना ए तो डायरेक्टली आपको फाइनली नेट दो ही मिला था तो दो ये होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरालेशन तो एन ऑक्सीडेशन ऑफ रेडियो जो एंजाइम्स रेडियस एनजाइम बोलते हैं एनडीड टू एफ एडी एस टू के इसके ब्रेकडाउन से जो ए टीपी मिलेगा तो एक एन एडीएस टू से तीन ए टी पी और एक एफ एडीएस टू से दो ए टी पी मिलता है तो ग्लाइकोलिस में दो एन एडीएस टू था तो इससे कितना छ ए टी पी मिल जाएगा ना तो छी पी इनडायरेक्टली दो ए टी पी डायरेक्टली ओवरऑल आठ ए टी पी का गेन होता है ठीक है आठ छ भी हो सकता है छ भी हो सकता है हम बताएंगे आपको सटल सिस्टम के बारे में आगे हम बात करेंगे ठीक है तो आप इसको नोट कर लीजिए बेटा लिख लीजिए आप इसको फिर आगे हम और भी बात करते हैं अब आएगा लिंक रिएक्शन लिंक रिएक्शन क्या है अभी हम बात करने वाले आप इसको लिख लीजिए पहले अब यहां पे देखिए बेटा हम बात करते हैं फेट ऑफ पायरुएट के बारे में फेट ऑफ पायरुएट का मतलब क्या है फेट मतलब किस्मत अब एक बार बताइए ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का बनना ग्लाइकोलिसिस कहलाता है इट अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन देखिए ऑक्सीजन कट का मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है और ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है जाहिर सी बात है एनारोबिक होगा तो पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा तो ग्लूकोज से पायरुक एसिड यह तो दुनिया के हर एक ऑर्गेजम में होता है चाहे वो एरोबिक हो या एनारोबिक हो लेकिन अब जब पायरुक एसिड बन गया है ग्लाइकोलिसिस से ठीक है जब ग्लाइकोलिसिस से पायरुक एसिड बन गया अब इस पायरुक एसिड का क्या होगा इस पायरुक एसिड के किस्मत में क्या लिखा है इसका फेट क्या है वही हम बात करें अब इस पारुविक एसिड का होगा क्या एरोबिक में भी बन गया है सेल के अंदर एनारोबिक में भी बन गया है अब इस ग्लाइकोलिसिस का क्या होगा सेल इसको क्या करेगा तो ध्यान देना इस पायरुक एसिड का क्या होगा इसका फेट क्या है ये डिपेंड करता है कि सेल के पास ऑक्सीजन है या नहीं है मतलब पार्विक एसिड एरोबिक रेस्परेशन में जाएगा या एनारोबिक रेस्परेशन में जाएगा इस पर डिपेंड करेगा अगर मान लीजिए ऑक्सीजन अवेलेबल है इफ ऑक्सीजन अवेलेबल तो इसका एरोबिक एरोपिरेशन होगा पार्विक एसिड का और कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा और अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो एनारोबिक रेस्परेशन में जाएगा इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा बेटा और एरोबिक रेस्परेशन में सी ओ टू बनेगा प्लस एस टू ओ बनेगा सिक्स सीओ टू प्लस सिक्स एस टू ओ बनेगा हम अभी बताए थे कुछ देर पहले

ई में ही पढ़ोगे ऑक्सीडिटी फॉसफोरिएसन ये सब एरोबिक रेस्परेशन में आप पढ़ोगे माइटोकॉन्डिया के अंदर होगा और अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो पार्विक एसिड एनारोबिक रेस्परेशन में जाएगा जिसको हम बोलेंगे एनारोबिक रेस्परेशन का एग्जाम्पल है फर्मेंटेशन कहाँ होगा ये सेल में साइटोप्लाज में होगा ये आपको मिलली बैक्टीरिया में मिलता है और ये सिंगल सेल डू जैसे ईस्ट में भी मिलता है आप भी फर्मेंटेशन हो सकता है मसल्स में लेकिन मेनली ये हम बता रहे हैं कहाँ मिलता है ना बाकी ये बहुत कॉमन है हायर प्लांट और एनिमल में ये कॉमन है ईस्ट में सिंगल सेल फंजाई हो गया ईस्ट और प्रोकैरियोट मतलब बैक्टीरिया में तो फर्मेंटेशन दो टाइप का पड़ोगे एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में दो मॉलिक्यूल एथाइल एल्कोहल के इथेनॉल के मिलेंगे प्लस दो सी ओ टू बनेगा प्लस दो ए टी पी बनेगा ठीक है दो सी ओ टू निकलेगा और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में दो मॉलिक्यूल लैक्टिक एसिड के बनेंगे प्लस दो ए टी पी बनेगा ये यहाँ सी ओ टू नहीं बनता है तीन कार्बन इसमें आ गया तो सी ओ टू का हंस निकलेगा दो मॉलिक्यूल जब तीन कार्बन के मिल गए यहाँ दो कार्बन दो कार्बन के दो ही मॉलिक्यूल मिले थे ना दो कार्बन के दो मॉलिक्यूल तो दो कार्बन सी ओ टू के फॉर्म में निकल जाता है तो बेटा हम सबसे पहले फर्मेंटेशन के बारे में बात कर लेते हैं ठीक है फर्मेंटेशन के बारे में बात कर लेते हैं फिर हम बात करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पहले हम फर्मेंटेशन निपटा देते हैं फिर एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में बात करेंगे आप इसको लिख लीजिए एरोबिक में पहले लिंक रिएक्शन फिर टीसी साइकिल फिर एटीएस के बारे में बात करेंगे आप इसको लिख लीजिए फिर हम फर्मेंटेशन के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे बेटा हम फर्मेंटेशन के बारे में बात कर रहे हैं ठीक है तो काफी कुछ फर्मेंटेशन का बोर्ड पे हमने लिख दिया है और कुछ पॉइंट्स हैं तीन चार पॉइंट्स हैं जो अभी हम बोल रहे हैं आपको नोट्स में लिखना है हम बोर्ड पे नहीं लिखे हैं आपको ये लिखना है खुद से ठीक है तो आप यहाँ पे देखिए फर्मेंटेशन जो होता है अ टाइप ऑफ एनारोबिक आरओबिक रेस्परेशन और ये कॉमन है कॉमन इन ईस्ट एंड बैक्टीरिया बैक्टीरिया और ईस्ट में कॉमन है और फर्मेंटेशन का जो डिस्कवरी है डिस्कवर्ड बाई केमिस्ट्री में नाम आपने सुना होगा गे गेलूजेक का नाम सुना होगा इन्होंने फर्मेंटेशन का डिस्कवरी किया था केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा फर्मेंटेशन दो टाइप का है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ये एक टाइप का एनारोबिक रेस्पिरेशन है तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन दो स्टेप में होने वाला प्रोसेस है ध्यान देना एल्कोहलिक फर्मेंटेशन दो स्टेप में होने वाला प्रोसेस है पहले स्टेप में देखिए ये पायरुविक एसिड है पायरुविक एसिड कहाँ से आ गया ग्लाइकोलिसिस के लास्ट में जो बना है पायरुविक एसिड हम उसी के फेट के बारे में ही तो बात कर रहे हैं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन है नहीं फर्मेंटेशन हो रहा है तो पायरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल थे तो एक एंजाइम काम करेगा पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम जो पायरुविक एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन कराएगा इसके एक्टिवेटर हैं थाइमिन पायरोफॉस्फेट जहां देना थियामिन विटामिन होता है टी पी पी थियामिन पायरोफॉस्फेट और मैग्नीशियम आइन तो इसका डिकार्बोक्सलेशन कराएगा ये एंजाइम तो तीन कार्बन का ये मॉलिक्यूल था तीन कार्बन होता है पैरुक एसिड में तो डिकार्बोक्सलेशन जब होगा तो एक सी निकल जाएगा तो दो कार्बन का एसिटाइल मिल जाएगा सी एस थ्री सी एच ओ तो आप देखिए ना अगर सी एस थ्री सी ओ सी ओ एच इससे सी ओ टू निकाल दीजिए सी ओ टू निकाल देंगे तो क्या बचेगा सी एस थ्री सी एच ओ ही तो बचेगा बाकी सी ओ टू तो निकल गया तो ये एसिटल डिहाइड बन गया और दो सी टू निकल गया दो क्यों क्योंकि दो दो मॉलिक्यूल है ना दो मॉलिक्यूल बना था पारविक एसिड का तो तीन कार्बन से दो ही कार्बन बचा एक कार्बन सी टू के फॉर्म में निकल गया अब ये जो एसिटल है सेकेंड स्टेप में एस्टल क्या करेगा एस्टल का रिडक्शन होगा ध्यान देना एस्टल का रिडक्शन होगा इसका रिडक्शन होगा ये दो एन टू है टू एन ए प्लस टू एच प्लस इसको हम टू एन टू भी लिख सकते हैं तो ये कहाँ से आ गया ग्लाइकोलिसिस में दो एन बना था ना तो अब ये एन का ब्रेकडाउन होगा ऑक्सीडेशन होगा और जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वो दूसरे को रिड्यूस करता है एनएडीएस ऑक्सीडाइज हो जाएगा और एस्टेल को रिड्यूस कर देगा तो एस्टेल के रिडक्शन से बन जाएगा इथेनॉल टू सी टू एच फाइव ओ एच प्लस ये जो एन टू था ये ऑक्सीडाइज होकर एन प्लस बन जाएगा तो एंजाइम है यहाँ पे एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज जिंक इसका एक्टिवेटर होता है तो ये इथेनॉल बन गया और एनएडी प्लस अगेन अवेलेबल फॉर ग्लाइकोलिसिस आपको पता है ग्लाइकोलिसिस में एनएडी प्लस रिड्यूस होकर एनएडीएस बनाता है तो सेल के पास एनएडी प्लस होगा तभी तो एनएडीएस बनेगा ग्लाइकोलिसिस चलने के लिए सेल के पास एनएडी होना चाहिए और एनएडी रहेगा तभी तो एनएडीएस बनेगा आके पूरा स्टेप फॉलो होगा ना तो एनएडी प्लस होना जरूरी है तो इसके लिए जो एन रहेगा उसको ऑक्सीडाइज कराना है NAD प्लस में तो ग्लाइकोलिस में हो गया दो स्टेप में होने वाला प्रोसेस है तो आप बताइए जैसे जैसे ये स्टेप होता रहेगा इथेनॉल मतलब एथाइल एल्कोहल इथेनॉल का कंसंट्रेशन एल्कोहल का कंसंट्रेशन बढ़ता रहेगा और एक बार बताएं एन में देखो लिखा है एल्कोहल का कंसंट्रेशन जब 13 परसेंट हो जाता है वेन द कंसनट्रेशन ऑफ एल्कोहल रीच अबाउट थर्टीन परसेंट ईस्ट पॉइजन देमसल टू डेथ जैसे ही एल्कोहल का कंसंट्रेशन 13 परसेंट के ऊपर होगा ये जो ईस्ट है ईस्ट का पॉइजनिंग हो जाएगा ये खुद मर जाएगा एल्कोहल पॉइजनस होता है ना जहरीली शराब पीने से दस की मौत पेपर में पढ़ा होगा आपने तो वही एल्कोहल से मतलब ईस्ट खुद ही मर सकता है तो ये दूसरा स्टेप देखिए लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन दूसरा फर्मेंटेशन है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन तो ये दो स्टेप में होने वाला प्रोसेस हम बता दिए दूसरा फर्मेंटेशन है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन इसमें डन बाय लैक्टोबैसिलस लैक्टाई जो बैक्टीरिया नहीं होता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है जैसे लैक्टोबैसिलस लैक्टिस या लैक्टाई लैक्टाई प्लोरल है तो इसमें क्या होगा बेटा ये पायुर्विक एसिड है जो ग्लाइकोलिसिस के अंतिम में बना था लास्ट में बना था हम उसी के फेट के बारे में बात कर रहे हैं ये पायर्विक एसिड है प्लस टू एन प्लस टू एच प्लस ये कहाँ से आया ग्लाइकोलिस में दो एन बना था वही तो है तो यहाँ भी और यहाँ भी दोनों जगह देखिए ना दोनों जगह एन ए रीऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये क्या करेगा एन टूटेगा और पार्विक एसिड को रिड्यूस करेगा एंजाइम है यहाँ पे लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज या लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज भी बोलते हैं एफ एम एन एफ एम एन फ्लेविन मोनोन्यूक्लोटाइड और जिंक इसका एक्टिवेटर है यहाँ क्या बन गया ये बन गया यहाँ पे लैक्टिक एसिड के दो मॉलिक्यूल बन गए प्लस दो ए सॉरी दो एन प्लस दो एन NAD+, प्लस यही एन टू ऑक्सीडाइज होकर एन प्लस बन गया और ये एन प्लस अगेन अवेलेबल फॉर ग्लाइकोलिसिस ग्लाइकोलिसिस फिर से अवेलेबल हो जाएगा यहाँ भी अवेलेबल हुआ और यहाँ भी अवेलेबल हो गया और ये यह यहाँ कोई सेकंड सेकंड फर्मेंटेशन बेटा कोई भी सीओ नहीं निकलता है अरे यार तीन कार्बन था एक दो तीन कार्बन था और आपको ये तीन कार्बन मिल गया तो सी ओ टू कहाँ से निकलेगा जबकि यहाँ पे देखिए एक दो तीन तीन कार्बन था एक दो, दो ही कार्बन तो निकला था तो एक कार्बन सी ओ टू के फॉर्म में निकल गया था दो ही कार्बन तो आपको यहाँ मिला था ना तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में कोई भी डिकार्बोक्सलेशन नहीं होता तो ये पार्विक एसिड बन गया अब बेटा कभी कभी जब आप विगरस एक्सरसाइज करते हो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो और जब ऑक्सीजन इनएडिक्यूएट होता है पर्याप्त नहीं होता है रेस्पिरेशन के लिए तो अपने मसल्स में ना लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन शुरू हो जाता है लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाता है ड्यू टू लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन मतलब ये जो पारिविक एसिड है लैक्टिक एसिड फर्मेंट लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और मसल्स में लैक्टिक एसिड बन जाता है जिससे मसल्स में क्रैम्स आ जाता है दर्द होने लगता है मसल्स में बहुत मसल्स में पेन होने लगता है क्रेम्स आ जाते हैं लेकिन ये परमानेंट नहीं है जब आप बाहर निकलोगे हवा वगैरह मिलेगा आपको एयर मिलेगा ऑक्सीजन मिलेगा तो लैक्टिक एसिड फर्दर ब्रेक डाउन हो जाएगा उसका फिर से आपका मसल्स क्रैम ठीक हो जाएगा ना तो वेग्रेस एक्सरसाइज के टाइम पे मसल्स में भी मायोसाइट में भी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होने लगता है तो एक चीज़ ये बताइए फर्मेंटेशन क्यों होता है फर्मेंटेशन इसलिए होता है ताकि ग्लाइकोलिस में जो एनएडीएस बना था उसको भी किसी तरीके से ऑक्सीडाइज किया जाए रिओक्सीडाइज किया जाए ताकि प्लस फिर से अवेलेबल हो जाए में इन बोथ फर्मेंटेशन ग्लाइकोलिसमेंटेशन का लाइन है इन बोथ फॉर्मेंटेशन एनएडीएस टू यह रिड्यूसिंग एजेंट है ना खुद तो ऑक्सीडाइज हो रहा है लेकिन दूसरे को रिड्यूस कर रहा है इसको और इसको रिड्यूस कर रहा है इसको और इसको इसको और इसको रिड्यूस करा इन बोथ फर्मेंटेशन रिड्यूसिंग एजेंट एनएडी एस टू रिओक्सीडाइज इन एनएडी प्लस स्लोली स्लोली रिओक्सीडाइज हो रहा है एनएडी प्लस में ताकि ग्लाइकोल लगातार चलता रहे और बेटा दोनों फर्मेंटेशन में हम आपको बताएं एक ग्लूकोज में जितना भी एनर्जी स्टोर हो रहता है एक बार बताइए दोनों फर्मेंटेशन से हमको ना बहुत कम ए टी पी दो ए टीपी मिलता है लगभग आप मान लो फिफ्टी एट किलो कैलोरी एनर्जी मिल रहा है इससे फिफ्टी एट मतलब दो एटीपी के बराबर एनर्जी मिल रहा है तो होता क्या है इसका रीज़न ये है कि यार एनारोबिक रेस्परेशन है इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है फूड का तो एनर्जी कहाँ से निकलेगा तो हम आपको बताएं, एन का लाइन है इन फर्मेंटेशन फर्मेंटेशन में ग्लूकोज में जितना भी एनर्जी रहता है उसका लेस देन सेवन परसेंट लेस देन सेवन परसेंट एनर्जी रिलीज होता है और फिर उस एनर्जी का यूज करके एटीपी बनाएंगे तो सेवन परसेंट से भी कम एनर्जी यूज हो रहा है एटीपी बनाने में तो जाहिर सी बात है एटीपी कम ही बनेगा ना तो इन फर्मेंटेशन लेस देन सेवन परसेंट ऑफ स्टोर्ड एनर्जी इन ग्लूकोज रिलीज्ड एंड मोस्ट ऑफ विच आर यूटिलाइज टू सिंथेसाइज ए और केवल केवल और केवल सिर्फ दो ही एटीपी बनता है बस यहाँ पे तो आप ये लिख लीजिए तो फर्मेंटेशन मेनली इसलिए होता है ताकि जो एन ये टूटे ऑक्सीडाइज होकर एन प्लस बन जाए ताकि लगातार ये ग्लाइकोलिसिस चलता रहे ग्लाइकोलिस में ये यूज होता रहे ना आप नोट कर लीजिए फिर अब हम बात करते हैं एनआरोबिक रेस्पिरेशन हो गया अच्छा ये जो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन था इसमें एन ए डी एस टू एन ए डी एस टू इलेक्ट्रॉन प्रोटोन डोनर का, का काम करता है ये डोनर का, का काम करता है एन ए डी एस टू और एसिटल डिहाइड जो होता है ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का, का काम करता है ये इलेक्ट्रॉन डोनर है और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है एसिटल होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है आप इसको नोट कर लीजिए फिर हम हटा रहे हैं ना तो यहां पे बेटा हम एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में अब हम बात करते हैं तो आप देखिए जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है एरोबिक रेस्पिरेशन का साइट क्या है मतलब ये किस जगह होता है इसका साइट क्या है इसका साइट होता है माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन तो आप देखिए ये पायरुविक एसिड है ठीक है हम अभी बात कर रहे थे फेट ऑफ पायरुएट के बारे में ऑक्सीजन नहीं होगा तो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाएगा फर्मेंटेशन हो जाएगा जिसके बारे में अभी हम बात किए थे अब ऑक्सीजन अवेलेबल है तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की बात आएगी तो समझ जाना एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो आप देखिए ये पायरुविक एसिड है कहाँ से आया सेल में प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट है लास्ट प्रोडक्ट है वही बना था एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस तो ये कहाँ बना है बेटा पायरुक एसिड कहाँ बना है ग्लाइकोलिसिस में कहा बना है साइटोप्लाज्मिक के अंदर बना है और इसको एरोबिक रेस्पिरेशन में यूज होने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाना पड़ेगा तो देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहुँच गया ये ट्रांसफर हो गया तो माइटोकॉन्ड्रिया में ये आउटर मेम्ब्रेन है ये इनर मेम्ब्रेन है और दो मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं ना आउटर मेम्ब्रेन ये है ये इनर मेम्ब्रेन है और दो मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस को बोलते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस और इनर मेम्ब्रेन इनफोल्ड होकर ये क्रिस्टी बना रखा है क्रिस्टी से सरफेस एरिया बढ़ गया है और ये ये जो अंदर इनर मेम्ब्रेन के अंदर का जो फ्लूड फील्ड स्पेस है ये मैट्रिक्स होता है तो आप देखिए ये जो पार्विक एसिड है साइटोप्लाज्म से यह आउटर मेम्ब्रेन पे पोरिंस होता है पोरिंस पोरिंस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कराता है तो यह जो पायरुविक एसिड है पोरिंस के थ्रू कहां पहुंच गया माइटोकॉन्डियो के मैट्रिक्स के अंदर पहुंच गया पायरुविक एसिड अब मैट्रिक्स में, में पहुंचने के बाद एरोबिक रेस्परेशन में क्या क्या प्रोसेसिस होंगे हम बात कर रहे हैं मैट्रिक्स में देखिए मैट्रिक्स में लिंक रिएक्शन होता है मैट्रिक्स में ही टीसीए साइकिल मतलब क्रेफ साइकिल होता है मैट्रिक्स में बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड होता है बीटा ऑक्सीडेशन क्या है बेटा बीटा ऑक्सीडेशन होता है फैटी एसिड का ब्रेकडाउन ब्रेकडाउन ऑफ फैटी एसिड फैटी एसिड के ब्रेकडाउन को हम बोलते हैं बीटा ऑक्सीडेशन ये भी मैट्रिक्स के अंदर होता है और इनर मेम्ब्रेन पे क्या क्या प्रोसेस होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम मतलब ई होगा और ऑक्सीडेटिव फॉस्फरसन होगा मतलब ए का सिंथेसिस होगा जो इनडायरेक्टली ए बनता है तो ये जो बीटा ऑक्सीडेशन है हालांकि यहां पे आपको ये नहीं पढ़ना है बीटा ऑक्सीडेशन ये आप नहीं पढ़ोगे आपके सिलेबस में नहीं है यहां पे तो रेस्परेशन में हम क्या क्या बताने वाले हैं अब क्या क्या भी हम कोई चैप्टर में पढ़ना है लिंक रिएक्शन टीसी साइकिल और ईटीएस ईटीएस में ही ऑक्सीडेटिव फास्पुराल बता देंगे तो ये बताओ सिक्वेंस क्या है मैट्रिक्स में क्या क्या होने वाला है लिंक रिएक्शन और टीसीए साइकिल होने वाला है इनर मेम्ब्रेन में ईटीएस और ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होने वाला है तो हम बात करते हैं बेटा लिंक रिएक्शन के बारे में लिंक रिएक्शन को ही गेटवे रिएक्शन या इसे ही ट्रांजिशन रिएक्शन भी बोलते हैं लिंक रिएक्शन कहाँ होता है मैट्रिक्स के अंदर यू कैरियोट्स मतलब प्लांट्स में एनिमल्स में मैट्रिक्स के अंदर माइटोकोनिय के मैट्रिक्स में होता है लेकिन साइटोप्लाज में होगा इन बैक्टीरिया अगर बैक्टीरिया है बैक्टीरिया में भी कौन सा बैक्टीरिया एरोबिक एनारोबिक बैक्टीरिया की बात करें बेटा ध्यान देना बैक्टीरिया दो टाइप का एरोबिक और एनारोबिक एनारोबिक बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन के नाम पे सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलिसिस ही होता है बाकी और कुछ नहीं होता ग्लाइकोलिसिस होगा फर्मेंटेशन होगा उसके बाद एनारोबिक बैक्टीरिया में टी सी एस आइकल लिंक लिंक रिएक्शन ई टी एस ये सब थोड़ी ना होता है ये तो एरोबिक प्रोसेस है ना ये एरोबिक बैक्टीरिया में होगा एनारोबिक में नहीं होगा तो एरोबिक बैक्टीरिया में एरोबिक बैक्टीरिया में लिंक रिएक्शन कहाँ होता है साइटोप्लाज्म में

पारिक एसिड में तीन कार्बन था तीन कार्बन से दो कार्बन मॉलिक्यूल बने, एक कार्बन डिकार्बोक्सिलेशन मतलब सीओ टू के फॉर्म में निकल गया ना इट्स कॉल्ड लिंक रिएक्शन बिकॉज इट लिंक्स ग्लाइकोलिस टू इट ग्लाइकोलिस टू टी सी ए साइकिल ध्यान देना ये जो लिंक रिएक्शन है ये ग्लाइकोलिस को टी सी ए साइकिल से लिंक करता है तो इट लिंक्स ग्लाइकोलिसिस टू टीसीए सी साइकिल ये ग्लाइकोलिसिस को टीसीए से जोड़ रहा है इसलिए इसको हम बोलते हैं लिंक रिएक्शन ठीक है और लिंक रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम पीडीएच पीडीएच मतलब पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स क्यों बोला ये कई सारे एंजाइम्स का कॉम्प्लेक्स है ध्यान देना पी जो होता है कई सारे एंजाइम्स का ये कॉम्प्लेक्स है तो पीडीएच कॉम्प्लेक्स यही एंजाइम होता है जो लिंक रिएक्शन को कर्टिलाइज करता है तो देखिए पार्विक एसिड है जो ग्लाइकोलिस से बना था glycolysis में एसिड बना और ये पार्विक एसिड मैट्रिक्स में चला गया पोरिन के थ्रू और मैट्रिक्स में अब देखिए मैट्रिक्स में कोई में एड होगा प्लस एनएडी एड होगा क्या बना एस्टाइल को एंजाइम बना प्लस सीओ टू निकला प्लस एनएडी जो था एन एडी रिड्यूस होकर एनएडीएस टू बन गया यहाँ पे एनएडीएस टू

लिंक रिएक्शन कितनी बार चलेगा लिंक रिएक्शन ओवरऑल दो बार चलेगा बेटा ये जो लिंक रिएक्शन है ओवरऑल कितनी बार चलेगा दो बार क्यों क्योंकि पार्विक एसिड के दो मॉलिक्यूल थे तो आप चाहो तो यहाँ पे सबको दो दो लिख दो यहाँ भी 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 दो लिख दो यहाँ भी, भी, भी दो लिख दो और टू एच प्लस भी लिख दो 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 मॉलिक्यूल हैं यहाँ पे ना दो मॉलिक्यूल पारविक एसिड का बना तो लिंक रिएक्शन भी दो बार चलेगा तो ये जो स्टाइल कुंजा में बना है इसका क्या होगा ये सीधे टी साइकिल में एंट्री कर जाएगा क्रेप साइकिल में कूद जाएगा यूज हो जाएगा तो ये बताना ये कहाँ बना था ये बना था पार्विक एसिड बना था ग्लाइकोलिसिस में और ये कहां एंट्री रहा है टीसीए साइकिल में तो आप देखिए ग्लाइकोलिसिस और टी साइकिल लिंक हो गया स्टाइल कुंजा ने लिंक कर दिया स्टाइल कुंजा ने ग्लाइकोलिसिस को टी सी साइकिल से लिंक कर दिया है इसलिए इसको बोलते हैं लिंक मॉलिक्यूल और इस रिएक्शन को बोलते हैं लिंक रिएक्शन तो एरोबिक बैक्टीरिया में साइटोप्लाज्म में होता है बाकी यू कैरियोर्स में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है ना आप इसको नोट कर लीजिए अब हम बात करते हैं टी सी ए साइकिल के बारे में ठीक है तो हमको लगता है ये आज का लेक्चर इतना पर्याप्त हो गया है अब ये जो टी सी ए साइकिल है टी सी ए साइकिल अगले क्लास में हम बात करेंगे तो जो अगला लेक्चर होगा इसमें ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा ठीक है फिर हम फोटोसिंथेसिस के बारे में आगे बात करेंगे तो आप इसको लिख लीजिए नोट कर लीजिए आज का क्लास यहीं पे ख़त्म किया जाता है थैंक यू वेरी मच